हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए क्लास दसवें के संस्कृत का 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो अभी संस्कृत का एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप अगर साल भर भी नहीं पढ़े, अगर ये पढ़ लेंगे, पूरा फुल वीडियो देख लेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूरा 50 में 50 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? तो दोस्तों उपनिषद है। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा क्या है? तो दोस्तों आत्मा अणु से भी छोटा है होता है। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो किसने लिखा है? तो दोस्तों राजशेखर ने लिखा है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? तो दोस्तों मैथिली कवि विद्यापति थे। छठा प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र में कमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो किस ऋतु में मनाया जाता था? तो दोस्तों शरद ऋतु में, जिसे हम लोग सर्दी का मौसम भी कहते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो दोस्तों आलस्य को, आलस को मतलब। आठवां प्रश्न है दोस्तों, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो दोस्तों मैत्रेयी उनका नाम था। नौवा प्रश्न है दोस्तों, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो कौन थी? तो दोस्तों गर्गी वचे कनवी। दसवां प्रश्न है दोस्तों, विज्ञानका किस कल्प की कवित्री थी? तो किस कल्प की कवित्री थी? तो दोस्तों प्रथम की। ग्यारहवां प्रश्न है दोस्तों, गायन थी देवा किल गीत कानी ब्लैंक पुरुषा श्रुतवा पद किस पुराण से लिया गया है? तो किस पुराण से लिया गया है? तो दोस्तों विष्णु पुराण से लिया गया है। बारहवां प्रश्न है दोस्तों, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो उसका संदेश क्या है? तो दोस्तों देशभक्ति। और फ्रेंड्स, यहाँ पे तेरहवां प्रश्न कहता है दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कार की कितनी कुल संख्या है? तो दोस्तों 16 है। चौदहवां प्रश्न है दोस्तों, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो दोस्तों केशांत, इसका सही उत्तर होगा केशांत। पंद्रहवां प्रश्न है दोस्तों, परम तृप्ति किससे मिलती है? तो किससे मिलती है? तो दोस्तों अहिंसा से मिलती है। सोलहवां प्रश्न है दोस्तों, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के कितने द्वार होते हैं? तो दोस्तों 3 नरक के द्वार होते हैं। सत्रहवां प्रश्न है दोस्तों, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो दोस्तों राम परवेश राम। अठारहवां प्रश्न है दोस्तों, छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप क्या है? तो दोस्तों अध्ययन। उन्नीसवां प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? तो दोस्तों 1875 में। बीसवां प्रश्न है दोस्तों, बिरजानंद किसके गुरु थे? तो किसके गुरु थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। इक्कीसवां प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद की परिवार किसका उपासक था? तो किसका उपासक था? तो दोस्तों शिव का उपासक था, शिव की भक्ति में वो लोग लीन रहते थे। बाईसवां प्रश्न है दोस्तों, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण से। तेईसवां प्रश्न है दोस्तों, कर्मस्य दानवीरता पाठ भाष्य के किस रूपक का भाग विशेष है? तो किस रूपक का भाग विशेष है? तो दोस्तों कर्ण भारम। चौबीसवां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो क्या है? तो दोस्तों दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। और यहाँ पे दोस्तों 25वां प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों स्वजोड़ छंद, स्वच्छंद। 26वां प्रश्न है दोस्तों, विद्या जोड़ एका का की संधि क्या होगी? तो इसका संधि क्या होगा? तो दोस्तों विद्या का। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है दोस्तों, अ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो दोस्तों औ। 28वां प्रश्न है दोस्तों, इत जोड़ तथा किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। 29वां प्रश्न है दोस्तों, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो क्या होगा? तो दोस्तों मूर्ति पूजा इसका उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा
सो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। 31वां प्रश्न है दोस्तों गोलगृह में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों कर्मधारय समास है। और दोस्तों यहाँ से 32वां प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण कौन है, तो इसमें से कौन उसका उदाहरण है तो दोस्तों पंचवटी, पंचवटी। 33वां प्रश्न है दोस्तों यत सच निर्धारम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कविसु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। 34वां प्रश्न है दोस्तों ग्रामम उभयत वृक्ष सन्ति वाक्य के ग्रामीण पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों उभयता योग द्वितीय, योग द्वितीय, उभयता योग द्वितीय। 35वां प्रश्न है दोस्तों स ब्लैंक सजना प्रतीयते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पे क्या होगा तो दोस्तों सवस्त्रेण सज्जन प्रतीयते। 36वां प्रश्न है दोस्तों नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है तो दोस्तों चतुर्थी विभक्ति। 37वां प्रश्न है दोस्तों किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आकार। 38वां प्रश्न है दोस्तों दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दूर, दूर। यहाँ पे दोस्तों 39वां प्रश्न है दोस्तों अस्त धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठति। 40वां प्रश्न है दोस्तों पाश्यामी किस लकार का रूप है, तो किस लकार का रूप है तो दोस्तों लिरिट लकार का रूप है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 41वां प्रश्न है दोस्तों जही किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप है तो दोस्तों हन धातु का रूप है। 42वां प्रश्न है दोस्तों मात्रा में कौन विभक्ति है, तो कौन विभक्ति है तो दोस्तों द्वितीय विभक्ति है। 43वां प्रश्न है दोस्तों नदीशु किस शब्द का रूप है, तो किस शब्द का रूप है तो दोस्तों नदी का रूप है। 44वां प्रश्न है दोस्तों साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा, तो कौन होगा तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों साधव। और यहाँ पे दोस्तों 45वां प्रश्न है दोस्तों गम जोड़ सत में कौन सा शब्द बनेगा, गम जोड़ सत से कौन सा शब्द बनेगा तो दोस्तों गचन। 46वां प्रश्न है दोस्तों पटना में कौन प्रत्यय है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ल्यूटा। 47वां प्रश्न है दोस्तों नागरिक में कौन सा तद्धृत प्रत्यय है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ढक। 48वां प्रश्न है दोस्तों राष्ट्र जो ई में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय शब्द बनेगा। 49वां प्रश्न है दोस्तों मूसक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मूसी का शब्द बनेगा। और यहाँ पे लास्ट प्रश्न है दोस्तों श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों टाप। सो फ्रेंड्स इतना पहले वीडियो को खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विथ करण को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बगल में घंटे बटन को दबा लें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।